गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास एट्थ में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है दी सेंटेंस। आज इस सेंटेंस वाले टॉपिक की लास्ट एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ। हमने आपको पीछे एक्सरसाइज एफ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था और मैंने आपको होमवर्क भी सेंड कर दिया था। आप सभी इस एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक में और फेयर नोटबुक में पेन डाउन करेंगे और अच्छे से अपने वर्क को कंप्लीट करेंगे, बिकॉज आफ्टर सम टाइम योर एग्जामिनेशन विल स्टार्ट। ओके, एक्सरसाइज जी जो है वो क्या कह रहे हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस एज शोन इन द एग्जाम्पल ब्लू। एग्जाम्पल हम आपको पता है करते ही नहीं हैं, हम डायरेक्ट एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करते हैं। ओके, अब देखते हैं। सबसे पहले ही डज़ नॉट लिव इन विलेज, ही डज़ नॉट लिव इन स्मॉल विलेज, वह छोटे गांव में नहीं रहता है। ओके, अब इसका हमें इंटरोगेटिव बनाना है तो हम क्या करते हैं, किसी भी सेंटेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, नेगेटिव सेंटेंस का जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो अब इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप। ऑलमोस्ट हम फर्स्ट टाइप का ही एक्सरसाइज को बना रहे हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सरसाइज हम अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले बाहर लाते हैं निकाल करके, उसके बाद में हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में हम नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद हम बाकी सेंटेंस को एज इट इज़ लिखते हैं। देखेंगे ही डज़ नॉट लिव इन स्मॉल विलेज, वह छोटे गांव में नहीं रहता है। डज़ ही नॉट लिव इन स्मॉल विलेज, क्या वह छोटे गांव में नहीं रहता है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, दी सन डज़ नॉट राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में नहीं निकलता है। तो क्या हो जाएगा, डज़ जो है हम हेल्पिंग वर्ब लेकर के आएंगे सिंगुलर नाउन के लिए, दी सन के लिए, डज़ दी सन नॉट राइज इन द ईस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, यू डिड नॉट कम लेट इन द मॉर्निंग, तुम सुबह लेट नहीं आए थे। इसका इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, हम इसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड पहले, डिड यू नॉट कम लेट इन द मॉर्निंग। ओके, द क्वेश्चन इज नॉट ईजी, प्रश्न, यह प्रश्न आसान नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इज द क्वेश्चन नॉट ईजी, शी इज़ नॉट प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। तो क्या हो जाएगा, इज शी नॉट प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, ये बात हमेशा याद रखना, प्राउड के साथ में हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ लगाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, दे वर नॉट वेटिंग फॉर द बस, वे बस की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे। तो क्या हो जाएगा, वर हेल्पिंग वर बाहर लाएंगे निकाल करके, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट दे, वर दे नॉट वेटिंग फॉर द बस, इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा। अगला जो हमारा सेंटेंस है, ओके, देखते हैं क्या है हमारा सेंटेंस, द स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे थे। तो आर द स्टूडेंट्स नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, ही इज़ नॉट ए ग्रेट प्लेयर, वह एक ग्रेट प्लेयर नहीं है या महान प्लेयर नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इज़ ही नॉट ए ग्रेट प्लेयर। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जब भी हम असर्टिव और नेगेटिव से इंटरोगेटिव सेंटेंस को इंटरचेंज करते हैं तो हम अपने क्वेश्चन के लास्ट में इंटरोगेशन साइन लगाते हैं, अदरवाइज़ हमारा क्वेश्चन गलत माना जाता है। ये एक इटर्नल पार्ट है हमारी पंचुएशन का। ओके, शेक्सपियर वाज नॉट द ग्रेट ड्रामेटिस्ट, शेक्सपियर महान नाटककार नहीं था। इसका इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, वाज द शेक्सपियर, यहाँ पर हमने ये दी गलत लगाया है, वाज शेक्सपियर नॉट द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। ओके, नेक्स्ट लास्ट हमारा सेंटेंस है, द जर्नी वाज नॉट
टायरसम, टायरसम का मतलब होता उबाऊ या थकाऊ। ओके, वाज द जर्नी नॉट टायरसम। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको एक बारी वन थ्रू और बता दूं। सबसे पहले एक बात और मेरी याद रखना, असर्टिव और नेगेटिव सेंटेंस से जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को इंटरचेंज करते हैं तो हम अपने सेंटेंस के लास्ट में इंटरोगेटिव साइन लगाते हैं। देखेंगे, ही डज़ नॉट लिव इन स्मॉल विलेज, तो क्या हो जाएगा, डज़ ही नॉट लिव इन स्मॉल विलेज। द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट, डज़ द सन नॉट राइज इन द ईस्ट। यू डिड नॉट कम लेट इन द मॉर्निंग, तो क्या इसका इंटरोगेटिव हो जाएगा, डिड यू नॉट कम लेट इन द मॉर्निंग। द क्वेश्चन इज नॉट ईजी, इज द क्वेश्चन नॉट ईजी। अगला है हमारा, शी इज़ नॉट प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, इज़ शी नॉट प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। दे वर नॉट वेटिंग फॉर द बस, वर दे नॉट वेटिंग फॉर द बस। ओके स्टूडेंट्स, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, द स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हम आर लाएंगे बाहर निकाल करके, आर द स्टूडेंट्स नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। ही इज़ नॉट ए ग्रेट प्लेयर, वह महान खिलाड़ी नहीं है। इज़ ही नॉट ए ग्रेट प्लेयर, प्लेयर के बाद में देखेंगे कौन सा साइन आया है, इंटरोगेटिव साइन आया है। ओके, शेक्सपियर वाज नॉट द ग्रेट ड्रामेटिस्ट, शेक्सपियर महान नाटककार नहीं था। अब देखेंगे वाज, यहाँ पर दी काट देंगे इसको बेटा, वाज शेक्सपियर नॉट द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। ओके, लास्ट सेंटेंस है हमारा, द जर्नी वाज नॉट टायरसम, यात्रा उबाऊ नहीं थी, उबाऊ का मतलब थकाऊ, वियरिंग। ओके, वाज द जर्नी नॉट टायरसम। ओके स्टूडेंट्स, अब ये होमवर्क आप अपनी फेयर नोटबुक में करें और ये बुक में भी एक्सरसाइज आपको फिल करनी है। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।